योगी राज में अपराधी बेलगाम हो चुके हैं, ना ही उन्हें कानून का खौफ रह गया है और ना ही इनके अंदर अब संवेदनाएं ही बची हैं। जिस कानून व्यवस्था में गड़बड़ी को लेकर विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता हासिल की थी, आज वही कानून व्यवस्था योगी सरकार के लिए टेढ़ी खीर बनती जा रही है, क्योंकि अब यूपी में महाजंगल राज चल रहा है और योगी सरकार दिन में ही रामराज के सपने देख रही है। पूरा मामला आजमगढ़ के जैनपुर थाना क्षेत्र के गंधुपुर गांव का है, जहां पर प्रधानी चुनाव में रंजिश को लेकर, वोट ना देने को लेकर प्रधान पुत्र ने अपने ही ग्राम सभा की रीता देवी और उसके परिवार को कई बार मारा पीटा और प्रताड़ित करते रहता है। ये मनभर प्रधान पुत्र यही नहीं रुका, 19 अगस्त को अपने गुर्गों के साथ शाम को रीता के घर में घुस गया और एक बार फिर मारपीट की और अपशब्दों की बौछार कर दी। महिला ने आरोप लगाया है कि उसके कपड़े तक फाड़ दिए गए हैं। वही पीड़िता जब थाने पर पहुंची और प्रधान पुत्र और कुछ लोगों पर जब इस संदर्भ में मुकदमा दर्ज करने की बात की तो पीड़िता को डांट फटकार कर भगा दिया गया। उसके बाद जब पीड़िता ने एसपी ऑफिस पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई, उसके बाद आजमगढ़ एसपी ने आवश्यक कार्रवाई के आदेश थाने को दिए, लेकिन जब पीड़िता एक बार फिर थाने पहुंची तो थाने पर एक बार फिर उसे निराशा ही हाथ लगी और उसे वापस भेज दिया गया। पीड़िता ने कहा है कि अगर कार्रवाई नहीं होती तो हम सब लखनऊ जाकर मुख्यमंत्री से गुहार लगाएंगे। इस पूरे घटनाक्रम में बड़ा सवाल ये उठता है कि कानून के रखवाले जब आम जनता की सुनवाई नहीं करेंगे तो ये किसकी चौखट पर अपनी फरियाद लेकर जाएंगे। का नाम है तुम्हारा? का समस्या है? समस्या ये हमारा ग्राम सभा बनवरा मैनाथ पटेल ग्राम गंधुपुर प्रधान हमारे घर में जाते हैं, हमारे झूला फारे हमारे लड़कन को सबके मार देंगे, हमारे सास बहन उनके साथ पटक देंगे, लड़कन के लातन मुक्कन मार के घर में हल के खींच। का कारण रहे? कारण चार बार ऐसे करिए दादन चढ़ौले पर छेड़खानी करते हैं, हमारे साथ चार बार छेड़खानी की। का लोग रहो ना? तीन लोग हैं, बर्फू सुनील सामू। थाने पे ललू? थाने पर गए ललू कोतवाल पे, कोतवाल पे सुनवाई ना। का कहना है? कहना कुछ नहीं हुआ है। झूठ बोल रही हैं, आपका आरोप लगा क्या? कुछ ना, आप छेड़खानी ना भाई है। उसके बाद आप कहाँ गई? उसके बाद हम फिर गए नहीं, अब वहाँ कोतवाली, अब कोतवाली के बाद फिर गल नहीं एसपी साहब की, एसपी साहब का नतीजा सुनवाई हुई, अब वहाँ से कागज आ गल, फिर आज कोतवाली गई हैं, कोतवाल साहब कहना छेड़खानी ना भाई आपके साथ, कोतवाल साहब कुछ नहीं कहना, कहना दरखास्त लिखाई कुछ लिखना ना पुलिस ना कुछ, आई बार बार धमकावत हम तो मारे थे छेड़खानी कर मारे मोबाइल लड़का मर जा तो कंप्यूटर पढ़े ना पड़े थे लड़का मर हम लोग लड़का भेजत नहीं हमारे छोटे छोटे लड़का हम आदमी हमारे घरे ना, अब बार बार हम तो ऐसे कर चार बार हो गए ऐसे कर, आप कोतवाल साहब पैसा ले ले हूँ दरोगा साहब गई ना तो हमसे धमका के घरे आई। क्या कहना? कहना कि कहाँ छेड़खानी, बार बार पूछा तो वो लोग क्या करने आए, वो लोग क्या करने आए, हम कहीं आप जान जा कहाँ करने आए वो लोग आए, एक तो दरोगा गरमाए लगना मेरे और बाद कुछ नहीं कहीं हम लोग पाँच दिन का दिन निकल गया कुछ नहीं। हाँ, क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं कि हमारे जैसे कहले उसके सजाई होकर चाहिए। अच्छा, आपके गांव के प्रधान हैं क्या? हाँ, हमारे गांव के प्रधान सामू उनकर माता कोमली देवी नाग प्रधान है। प्रधान प्रधानी के पहले ऐसे कहीं ना फिर भी ऐसे कर का प्रधानी रंजीश उनजीश को लेकर कुछ ऐसा हुआ है? प्रधानी में यह दया कनक तो वोट ना दी, हम उनको वोट ना देने यही नाते हमसे बार बार मारे के धमकावत हुआ छेड़खानी खातिर गाली दे हुआ हम कितनी गाली रोड पर रोक के गाली देना दो तीन बार रोक के गाली देना, हम गरीब के नाते कटा देने गरीब के नाते हमारे घर में खींच के अलिया के मरले हम लड़कन के बहरे हमसे कौन हमारा लड़का गल मैदान करे जब लड़का हल्ला फुल्ला दबर प्यार लड़कन के लाशन मुकल एक लड़का बारह में पड़े एक लड़का नौ में पड़े लाशन मुकल मन सात हमारे हो गई हमको उठा के पटक दे।